सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस, मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वेक्टर कैलकुलस सीरीज का 16th वीडियो है। मैं इस वीडियो में IIT जेम का एक क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैं वेक्टर कैलकुलस पर 15th वीडियो अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, या ऊपर आ रहे हैं आई बटन पर भी आप प्रेस करके उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, ये IIT जेम मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन क्या है ये आप देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन है, एफ एक वेक्टर फील्ड है, रूट अंडर एक्स आई कैप प्लस एक्स प्लस वाई क्यू जे कैप बी ए वेक्टर फील्ड फॉर ऑल एक्स वाई विथ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये एक वेक्टर फील्ड हो गया, वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो गया, और एक्स जो है यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, एंड आर जो होता है वो किसी भी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है। तो ये एक्स वाई प्लेन का फंक्शन डिफाइन किया गया एक्स वाई प्लेन पर, इसीलिए यहाँ पर आर जो पोजिशन वेक्टर लिया गया वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिया गया है। देन द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल, ये एक लाइन इंटीग्रल है, इसी का वैल्यू निकालना है अलॉन्ग द कर्व सी। आप देख रहे हैं सी कर्व में, और फ्रॉम 0 to 0.0 to 1.1, ये 0.0 to 1.1 में निकालना है अलॉन्ग द पाथ सी, सी पाथ के अलॉन्ग, और सी कौन सा पाथ है उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर और वाई इक्वल टू टी क्यूब, जहाँ पर टी का वैल्यू 0 to 1 तक है। तो इस लाइन इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, लाइन इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है, और कर्व यहाँ पर दिया हुआ है, और लाइन इंटीग्रल में हम लोग को 0.0 to 1.1 तक निकालना है। तो लाइन इंटीग्रल क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, ग्रीन्स थ्योरम, स्टॉक्स थ्योरम या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सभी पर वीडियो मेरा वेक्टर कैलकुलस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे इस लाइन इंटीग्रल को हम लोग इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका लाइन इंटीग्रल जो निकालना है एफ डॉट डी आर, तो एफ़ का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो एफ़ का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एफ़ का वैल्यू है रूट अंडर एक्स आई कैप प्लस एक्स प्लस वाई क्यू जे कैप, यहाँ से हम लोग लिख लिए एफ़ का वैल्यू, और डी आर क्या होगा, आर भी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल निकालेंगे। तो इसका डिफरेंशियल के लिए हम लोग एक्स का डिफरेंशियल करेंगे, तो एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा डी एक्स। देखिए यहाँ पर डी आर के जगह हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं डी एक्स हो गया, और वाई आई तो जो है वो कॉन्स्टेंट वेक्टर है, तो आई को ज्यों का त्यों रख रहे हैं हम लोग, और प्लस वाई जे कैप, यहाँ पर वाई का डिफरेंशियल हो जाएगा डी वाई और जे कैप, यहाँ आई जो है वो कैप लगेगा, यहाँ पर यूनिट वेक्टर है ये, यहाँ पर मिस्टेक से एरो लगा हुआ है, तो कैप लगा सकते हैं आप यहाँ पर। और उसके बाद फिर हम लोग क्या किए हैं, एफ का वैल्यू, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन का वैल्यू लिख रही है और डी आर का वैल्यू लिख रही है। अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, आप देख रहे हैं डॉट है यहाँ पर, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, आई का कोएफिशिएंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और जे का कोएफिशिएंट को, तो रूट अंडर एक्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस एक्स प्लस वाई क्यू को डी वाई के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी को हम लोग को इंटीग्रेट करना है अलॉन्ग द कर्व सी। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू जो यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है कर्व का, वहाँ से हम लोग पुट करते हैं। तो एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रूट अंडर एक्स है, तो रूट अंडर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स का वैल्यू टी स्क्वायर, तो रूट अंडर का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर एक्स का टी, और डी एक्स, डी एक्स मीन्स इसका डिफरेंशियल, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t dt हो जाएगा, तो डी एक्स के जगह हम लोग यहाँ पर लिखे हैं 2t dt, और प्लस यहाँ पर एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, देख रहे हैं कर्व में लिखा हुआ एक्स का वैल्यू टी स्क्वायर है, तो एक्स का वैल्यू टी स्क्वायर, और वाई क्यूब, वाई का वैल्यू टी क्यूब है, तो वाई क्यूब का वैल्यू हो जाएगा t to the power 9, और डी वाई, डी वाई का वैल्यू क्या होगा, तो टी क्यूब को डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, डी वाई निकालना है, तो डी वाई डिफरेंशियल निकालना है, तो टी क्यूब का हो जाएगा 3t² into dt डिफरेंशियल निकालेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हम लोग लिख चुके हैं, अब हम लोग देखिए आगे, ये 2t² हो गया, और डी टी यहाँ पर भी है, डी टी यहाँ पर भी है, डी टी को हम लोग बाहर कर दिए, और ये जो 3t² है इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो 3t का पावर 4 प्लस ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t to the power 11 हो जाएगा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो 2 तो कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का इंटीग्रल t³/3, 3 कांस्टेंट है, और t⁴ का t⁵/5, और 3 कांस्टेंट है, t⁻¹ का t⁻¹/12, और 0 to 1
जीरो टू वन हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन में कैसे लिमिट लिए हैं, आप जरा इसके पहले वाला समझिए कि ये जीरो टू वन जो इंटीग्रेट कर रहे हैं जीरो से वन, ये कैसे कर रहे हैं अलॉन्ग द सी करना है कर्व में। तो सी कर्व में आप देख रहे हैं कि जीरो जीरो और वन कॉमा वन पॉइंट में इंटीग्रेट करना है, जीरो कॉमा जीरो से वन कॉमा वन। तो आप देखिए कि एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू जीरो कैसे आएगा, टी का कौन सा वैल्यू पोर्ट करने से एक्स और वाई जीरो आएगा, ये पॉइंट से इस पॉइंट तक करना है हम लोग को। तो टी के जगह जीरो पुट करने से ही एक्स और वाई जीरो आ जाएगा, तो टी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और वन कॉमा वन कैसे आएगा, तो एक्स का भी वैल्यू वन होना चाहिए और वाई का भी वैल्यू वन होना चाहिए। तो टी के जगह वन पुट करेंगे तो एक्स भी वन हो जाएगा और वाई के टी के जगह वन पुट करने से वाई भी वन हो जाएगा। तो टी का वैल्यू अगर हम लोग जीरो पुट करते हैं तो ये पॉइंट मिल जाएगा जीरो कॉमा जीरो, और टी का वैल्यू वन पुट करते हैं तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो टी का जो वैल्यू है वो हम लोग जीरो से वन तक ले रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग को जो इंटीग्रेट करना है वो टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसीलिए यहाँ पर लिमिट जो है वो टी का लिख रहे हैं जीरो टू वन। अब हम लोग आगे बढ़ चुके थे, यहाँ पर हम तक हम लोग कर चुके थे, इसीलिए जीरो टू वन है। अब इसका अपर लिमिट पुट कर दीजिए, तो अपर लिमिट पुट करने पर यहाँ पर टी के जगह वन पुट करेंगे तो टू बाई थ्री, यहाँ पर टी के जगह वन पुट करेंगे तो थ्री बाई फाइव, यहाँ पर टी के जगह वन पुट करेंगे तो थ्री बाई ट्वेल्व, और जीरो पुट करने से तो जीरो हो जाएगा। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 60, और इसको आप ऐड करके देख सकते हैं तो ये आ जाएगा 91/60, यानी कि अप्रॉक्स ये आ रहा है 1.5। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आईआईटी जेम 2016 का एक क्वेश्चन। इस तरीके से आप अगर आईआईटी जेम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।